नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जो प्रदर्शन की। आपको बता दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र छात्राएं गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर क्रमिक अनशन पर स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को बिना शर्त अगली कक्षा में प्रोन्नत करने या होम एग्जामिनेशन कराने व अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित न करते हुए पहले की भांति कराए जाने या इनकी भी परीक्षा होम एग्जामिनेशन कराए जाए एवं कोरोना महामारी के चलते यदि परीक्षा के दौरान किसी भी छात्र छात्रा की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने एवं छात्र छात्राओं को कोरोना टीकाकरण में वरीयता दिए जाने के छात्र छात्राओं को प्रोन्नत करने के संदर्भ में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ विधि प्रथम व द्वितीय वर्ष के प्रथम छात्रों को प्रोन्नत मनन कुमार मिश्रा चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सौंपे जाने के संदर्भ में प्रदर्शन किया गया। ये डालते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के प्रदर्शन की एक खबर पर नज़र कि आखिरकार छात्र छात्राओं को आखिर क्यों करना पड़ा प्रदर्शन। आइए डालते हैं एक रिपोर्ट पर नज़र। सर, आप लोग बता सकते हैं कि वो अंदर में आप लोग गए थे जब आपके सहयोगी जो लोग थे, प्रेजेंट टाइम में हमने देखा है कि अभी गेट बंद करके उनको बाहर कर दिया गया था, तो अंदर में आपसे जो बातचीत हो रही थी वो किन से हो रही थी और क्या बात हुई? कुलपत जी के सम्मुख हमारी वार्ता हुई। 8 लोग गए थे हमारे साथ, लड़कियाँ भी मौजूद थी अन्य अन्य सब्जेक्टों की। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन के अंदर, जैसे परीक्षा तो कराने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी एक अलग डिमांड है कि स्नातक द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष के छात्रों को ओपन बुक प्रणाली लागू की जाए, उनको परीक्षा घर से दें, घर बैठे परीक्षा दें, होम एग्जामिनेशन जिसको कहा जाता है, उस पर वो कहें कमेटी 2 से 3 दिन के अंदर बन जाएगी और उस कमेटी के तहत विचार चल रहा है। वहाँ पे परीक्षा नियंत्रक बैठे थे, तमाम सदस्य बैठे थे, उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि सारी मांग छात्र की जो आपकी है 6 सूत्री वो पूरी मांग मानवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 2-3 दिन के अंदर सूचित करने का बात कर रहे हैं। अगर 2-3 दिन में आप मांगे फिर जो आप चाह रहे हैं करना वो नहीं होता है तो फिर आप क्या कर लेंगे आप लोग? फिर जो नहीं होता है तो फिर हम लोग करेंगे जो हम लोग को करना, फिर भूख हड़ताल में बैठना पड़ेगा, वो भी किया जाएगा। जी, आपका शुभ नाम? मनीष ओझा, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। मनीष ओझा, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। थैंक यू।